बड़े बुजुर्ग ने ठीक ही कहा है, लालच एक बहुत बुरी बला है। अगर इंसान उसके माया जाल में, लालच के माया जाल में अगर फंस जाता है, उसमें लिप्त हो जाता है, तो उसका दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता और वो लालच में जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे घर की चीजें बेचना ना क्यों पड़े। तो ऐसे चक्कर में क्या होता है कि इंसान लालच में इतना लिप्त हो जाता है तो उसके पाने के लिए वो अपने पास की चीज भी खो देता है और उसका परिणाम ये होता है कि वो बर्बाद हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण हम एक कॉमेडी से सीखेंगे, क्योंकि अब मेरा चैनल एक कॉमेडी ब्लॉग का चैनल है। तो उससे तो इसके पहले मैं एक आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक यूपी की घटना है। वहाँ पे एक साधु को सपना गिरता है कि यह फलाने जगह जमीन के नीचे बहुत सारा सोना है। तो ये खबर वायरल हो जाती है तो फिर लोग लालच के चक्कर में वहाँ खुदाई करने लगते हैं, जहाँ तक जवानों आर्मी को भी वहाँ पे बुलाया जाता है और वह खुदाई होती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो लालच बहुत बुरी बला है। ये कैसे हम एक कॉमेडी फिल्म से समझते हैं, ये एक फिल्म का कॉमेडी दृश्य है जो 90 के दशक में अनाड़ी नाम की एक पिक्चर आई थी, जिसमें साउथ सुपरस्टार वेंकटेश और करिश्मा कपूर लीडिंग रोल में थे, साथ में लक्ष्मीकांत बेर्डे, जॉनी लीवर, सुरेश ओबेरॉय, गुलशन ग्रोवर जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस फिल्म थे। इस फिल्म में एक कॉमेडी सीन है, लक्ष्मीकांत बेर्डे बहुत मेहनत करके एक अंडे की दुकान खोलता है। अंडे की दुकान ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा, ए कौन है भाई तू?